एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। आजमगढ़ में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक हत्याकांड के गवाह को बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया और उतार दिया मौत के घाट। और ये सब हुआ तब जब वो शख्स चंद मिनट पहले ही पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद था। देखिए गवाह को सजाए मौत। बेखौफ बदमाशों ने लिखी। सरे शाम खूनी दास्तान, ताबड़तोड़ चली गोलियां और रह गए खौफ के निशान। रात का अंधेरा, लोगों की भीड़ और भीड़ की शक्ल में थाने पहुंचे लोगों की एक ही डिमांड कि बदमाशों की जल्द हो गिरफ्तारी। वो बदमाश जिन्होंने सरे शाम छोड़ दिए दहशत के निशान और खून से लथपथ एक लाश। दरअसल आजमगढ़ के गंभीरपुरा थाना इलाके में देर शाम एक वारदात ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। अचानक से चली गोलियों के बीच लोगों के चेहरे पर दहशत पसर गया और जब मौका वारदात पर जाकर देखा तो खून से लथपथ एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था। आजमगढ़ के अमोड़ा गांव की प्रधान है अर्चना राय, जिनके पति मनीष राय रात करीब 8 बजे घर से बाहर निकले थे। गांव के मेन रोड पर बनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के पास से गुजर रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात दो सिपाहियों से हुई। मनीष ने दोनों पुलिस वालों से बातचीत की, जिसके बाद दोनों पुलिस वाले वहां से चले गए। सिपाहियों के जाने के बाद मनीष राय अंडे की दुकान पर रुके। इसी बीच दो बाइक बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वहां रुकी, जिस पर चार युवक सवार थे। मनीष को लगा कि वो भी आम ग्राहक होंगे। मनीष बिल्कुल बेफिक्र थे कि तभी चारों युवकों ने अपनी अंटी में लगे हथियारों को बाहर निकाल लिया। हथियार देखने के बाद मनीष भी थोड़े सकते में आ गए, लेकिन वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भाग खड़े हुए। इसी बीच एक के बाद एक गोलियां चलती रही और जब फायरिंग बंद हुई और बारूद का धुआं छटा तो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था एक शख्स, जिसके बाद आराम से चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। जिस शख्स पर बेखौफ बदमाशों ने गोलियां दागी थी वो मनीष राय थे। आनन फानन में बेसुध हालत में मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां मनीष की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन मनीष ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गांव के प्रधान के पति की हत्या की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद लोग अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक मनीष ने दम तोड़ दिया था। सरे शाम हुई इस वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया था, तो वहीं पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। आनन फानन में लोगों की भीड़ गंभीरपुर थाने पहुंची, जहां थाने का घेराव करते हुए गांव वालों ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और जल्द हथियारों की गिरफ्तारी की मांग की। डेढ़ साल पहले भी हुई थी वारदात। मनीष के चाचा की हुई थी हत्या। मनीष की हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि इसी तरह से डेढ़ साल पहले भी एक वारदात को अंजाम दिया था और उस हत्याकांड में मनीष गवाह था। दरअसल मनीष के चाचा उमाशंकर की डेढ़ साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उमाशंकर हत्याकांड में मनीष गवाह था। तो वही पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि प्रधानी के चुनाव को लेकर भी मनीष की रंजिश चल रही थी, जिसमें मनीष की पत्नी अर्चना राय ने प्रधानी के चुनाव में जीत दर्ज की थी और इसी बात को लेकर चुनावी रंजिश चल रही थी। लोगों के गुस्से और आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वही पुलिस लगातार हर एक सबूत को जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही हर एक एंगल पर जांच कर रही है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। अमोरा गांव, जो कि थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें
मनीष राय नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। जब वो गांव के बाहर आए थे अपने खेत की तरफ, तब उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा 9 लोगों के नामजद मुकदमा कराया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और उन्हें 120B के तहत रखा गया है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले उनके चाचा की हत्या हुई थी और जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है और 313 की कार्रवाई चल रही है। तो ये पुलिस द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनके यहाँ गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है और जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। देर शाम हुई इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस वालों के चाहते ही इस वारदात को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाशों ने खाकी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। आजमगढ़ से खुर्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।